बस मिल गया पैरिस जाने के लिए। अभी 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, बट काफ़ी जल्दी यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है क्योंकि यहाँ पे पानी बोतल लैपटॉप कुछ भी निकालना नहीं पड़ता, खासियत है। Now we'll head for the plane for Paris. वो पानी बोतल कुछ भी निकालना नहीं पड़ता, पानी बोतल हो या कोई भी चीज़। आई थिंक थोड़ा सो लूँगा क्योंकि रात को फिर ये नहीं होगा, तो शिपॉल पेरिस जाने के बाद वहाँ से फिर सुबह है एयर इंडिया की फ्लाइट। तो इधर खाना तो हो गया, ये ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, कोल्ड सैंडविच था, ऊपर सुशी बार है, मुझे दिखा नहीं ऊपर एक रास्ता है। तो अभी गेट के पास फिर चलते हैं, पहले मैं देख लिया था गेट कहाँ पे है, वेटिंग बहुत है तो इसीलिए काफ़ी वेटिंग है। गेट के पास वेट करते हैं फिर पेरिस में देखते हैं, पेरिस में 8-9 घंटे क्या होता है। यहाँ पे ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स बहुत हैं बीच में बने हुए हैं, तो यहीं पे थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। पावर बैंक भी है बट पावर बैंक को बाद में निकालेंगे, पहले अभी इसी से ही काम चला रहा था, फ़ोन फुल रहे है। तो पेरिस में पहुंच गए, बैग लेके फिर जाएंगे, वेट करेंगे। स्टार्ट हो गया बोर्डिंग एयर इंडिया, रात को 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। 26F वही मिडिल वाला। ओके, सो ऑलमोस्ट फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो स्निपेट्स फिर बाद में जोड़ के वीडियो बने। सैंपल ले लिया आधे घंटे में, पूरा 1.5 घंटे में रिजल्ट आएगा, देखते हैं फिर डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ना, जल्दी रिजल्ट आ जाए तो अच्छा होगा। फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गया एक्चुअली, वेटिंग हमें नेट भी मिलेगा, साइड में कॉफ़ी भी है, ये करने के सो हैज एवरीथिंग, द ओपन वेटिंग एरिया एंड यू गेट इंटरनेट इफ यू डोंट हैव इंडियन सिम। ऐसे ही पड़ा था बैग एक कोने में, फिर आके लेके गए, सब इमिग्रेशन सब खत्म होने के बाद बैग जल्दी मिल गया, खाली पूछना पड़ा कि एयर इंडिया का कहाँ पे है क्योंकि अभी दूसरा फ्लाइट आ गया था बेल्ट में। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस फाइनल फ्लाइट रायपुर जा रहा है घर, फाइनली निगेटिव हो गया, 2-3 घंटे सोया नहीं दो रात, कहीं क्या होता है घर जाके देखते।